गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस लाइव वेबिनार में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आज कुछ हमारे यंग स्टार्टअप्स भी जुड़े हुए हैं और कुछ ही क्षणों में हमारे साथ माननीय श्री मनसुख मांडविया जी और माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी जुड़ेंगे और हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी ऑल, ऑनरेबल मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी इज जॉइनिंग अस। सो या आई वुड लाइक टू पास द चेयर ऑफ दिस सेशन टू कैरी ऑन अवर सेशन प्लीज। जी नमस्ते। नमस्ते मनसुख भाई का बापू। नमस्ते। नमस्ते मनसुख भाई। जगदीश भाई। जगदीश भाई नमस्ते। वाह चलिए सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच आज आप हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ। जीयूसेक हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल गुजरात यूनिवर्सिटी का स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम है और आज हमारे साथ माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, गुजरात के शिक्षण सचिव अंजू शर्मा मैडम जुड़े हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जगदीश बावसार जुड़े हैं, जीयूसेक के डायरेक्टर और हमारे अटल इंक्यूबेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर राकेश रावल जुड़े हैं और हमारे साथ पांच छह स्टार्टअप फाउंडर भी जुड़े हैं जो यंग आज के स्टार्टअप हैं जो एक सेल्फ रिलायंस पे अपना एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की जर्नी जीयूसेक के माध्यम से काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। इनमें से कितने ही स्टार्टअप्स ने कोविड रिलेटेड सॉल्यूशंस भी बनाए हैं और आज आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए काफी उत्सुक हैं। तो मैं कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले जीयूसेक के बारे में दो शब्द कहूंगा। जीयूसेक गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल है जो गुजरात यूनिवर्सिटी ने सन 2016 में शुरू किया था। आज जीयूसेक गुजरात और भारत सरकार की काफी सारी ग्रांट्स कोऑर्डिनेट करता है। 135 जितने स्टार्टअप्स जीयूसेक आज के टाइम पे इंक्यूबेट कर रहा है और हमारे स्टार्टअप्स ने कोविड के टाइम पे काफ़ी अच्छा काम किया है। जीयूसेक ने एक ब्रेक थ्रू नाम का एक्सेलरेटर शुरू किया था यूनिसेफ के साथ, ब्रेक थ्रू एक्सेलरेटर कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोविड रिलेटेड चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। काफ़ी सारी स्टार्टअप्स आज के टाइम पे अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं और उसके लिए कोई स्टार्टअप को इस समय के दरमियान कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए जीयूसेक ने कंटिन्यूटी नामक एक्सीलेटर भी शुरू किया है। जीयूसेक भारत सरकार की निधि पीबीआई ग्रांट, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर ग्रांट के सहायक के द्वारा 2 साल से स्केल कर रहा है अपने ऑपरेशन। हमने लास्ट 3 साल में गुजरात गवर्नमेंट की स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के द्वारा 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप ट्रेनिंग दी है और 5,000 से ज़्यादा टीचर्स को हमने ट्रेनिंग दी है। तो कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए हमारे आज कुछ स्टार्टअप्स हैं जो अपने बारे में, अपने स्टार्टअप के बारे में कुछ बताएंगे और आज के डिग्निटरीज के साथ अपने कुछ चैलेंजेस सामने रखेंगे कि उनको क्या चैलेंज आ रहा है। मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री श्री मांडविया जी से, माननीय मंत्री श्री रासमा जी से और अंजू मैडम से कि वो अपने पॉइंट्स इन स्टार्टअप को जैसे जैसे एक एक स्टार्टअप बोलता जाए उनके बाद अपना फीडबैक उनके साथ शेयर करें। तो सबसे पहले मेरे साथ हैं वेदांत मांकड़ जो एम थ्रेड्स नाम का एक स्टार्टअप चलाते हैं। वेदांत प्लीज गो अहेड। हाय सबको प्रणाम नमस्ते। मेरा नाम वेदांत मामांकड़ है। हमारा स्टार्टअप जो है वो शिपिंग इंडस्ट्री में जितने भी फ्रेट फॉरवर्डर्स, कस्टम ब्रोकर्स और ट्रांसपोर्टर्स है उनके फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस के ऑपरेशंस को पूरा डिजिटाइज और ऑटोमेट करता है। इतना ही नहीं, उसके साथ शिपिंग्स के साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी एजेंसीज है, सर्वेयर्स से लेके पोर्ट ऑपरेटर्स से लेके उन सबको भी एक ही प्लेटफॉर्म पे लाता है जिसके वजह से सब इंफॉर्मेशन एक दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं।
कोविड के दरमियान भी हमारे स्टार्टअप के थ्रू हमने वाइट लेबल प्लेटफॉर्म्स देख के जितने भी छोटे छोटे मीडियम स्केल फ्रीट फॉरवर्डर कस्टम एजेंट्स हैं उनको टीम कम्युनिकेशन और साथ में इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सके ऐसा प्लेटफॉर्म दिया था. तो आपका हमारा मेन प्रॉब्लम शिपिंग में हमें आ रहा है आज है ये है कि अगर कोई स्टार्टअप जो शिपिंग में काम कर रहा है अगर उनको कस्टम्स डिपार्टमेंट या CBIC के साथ इंटीग्रेशन करने हैं या तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है ताकि एक अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म और पूरा इकोसिस्टम हम बना सकें तो उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में वो हमारी बात रख सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई शिपिंग या ट्रांसपोर्ट कस्टम्स में कोई चैलेंजेस हैं तो वो हम तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो हमारी जो टीम है या तो जो स्टार्टअप का है उसमें हेल्प कर सकता है. थैंक यू. वेदांत ने बहुत अच्छा इश्यू रेज किया है क्योंकि शिपिंग मिनिस्ट्री एक अदर टाइप की मिनिस्ट्री है और उसका इश्यू भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. जैसे एक पोर्ट के साथ कई चीज जुड़ी हुई होती है और उसमें कस्टम, इंपोर्टर, उसमें एक्सपोर्टर, फ्रेट फॉरवर्डर्स, उसमें सी फेयरर, शिपिंग लाइंस, ये सब उसका स्टेक होल्डर होता है. और क्या आपने बहुत सही कहा कि दिशा में किसी को म्यूट होना है, बाकी अंदर आवाज आ रहा है, जरा म्यूट हो जाए तो समझने में अच्छा रहेगा. पूरा समस्या. हाँ, तो ऐसी स्थिति में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सॉल्यूशन पर जा सकते हैं क्या? उसमें फॉर एग्जांपल को शिप आ रहा है और शिप को आना है, नंबर ऑफ टाइप का क्लियरेंस लेना है, वो पोर्ट पर आएंगे, नंबर ऑफ टाइप की एजेंसी उसका क्लियरेंस काम करती है सब वहां जाएंगे, बर्थिंग के लिए वो आने के बाद फिक्स होगा, उसमें सी फेरर को आना है, साइन ऑफ करना है, साइन ऑन करना है, ये सब स्थिति को क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप एडवांस सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकते? डीप सी में जब वेसल्स हो तभी वो आइडेंटिफाई कर सके और सब क्लियरेंस कौन से बर्थ पर उसको आना है, तो कि दिस टाइप ऑफ बर्थ, ये बर्थ पर आना है, कौन सा क्लियरेंस करना है, ये क्लियरेंस करना है, कब पहुंचना है, ये टाइम पे पहुंचना है, उसमें क्या क्या है वो डिजिटली पहले ही उसके पास इनवॉइस पहुंच जाए, वो इनवॉइस पहुंचने के बाद तुरंत ही उसका क्लियरेंस होना शुरू हो जाए, तो केवल बाद में कमोडिटीज फिजिकल बचेगी, तुरंत ही उसका इवैक्यूएशन हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा. उसके लिए हमने PCS 1X एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया और हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में सबसे पहला है बना हुआ है. सारी एजेंसी को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाके उसका सभी क्लियरेंस एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो जाए, उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है. उसमें आप ये ऐड कर सकते हो, एक तो इंडियन पोर्ट एसोसिएशन है, भारत सरकार का सभी पोर्ट को जोड़ता हुआ एक अपेक्स बॉडी है, उसकी वेबसाइट पर आप जाके, मैंने उसके पर कई ऐसे हमारी जो इश्यूज है वो उसमें रखा है, कई लोगों ने उसका सॉल्यूशन भी दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है हमारा इश्यू. फॉर एग्जांपल, वी वांट टू डेवलप ए शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, शिप रिपेयर फैसिलिटीज, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग टू शिप ब्रेकिंग इन इंडियन कोस्ट, हम क्यों इंडियन कोस्ट, आज हमारी सभी, मेरा शिपयार्ड NCERT में जा रहा है, पर ईयर्स 30,000 वेसल्स इंडिया में आता है, दुनिया में सबसे बाजार इंडिया है, एक्जिम कार्गो इंडिया से 95% एक्जिम कार्गो बाई पोर्ट होता है, लेकिन भी आज शिप रिपेयरिंग फैसिलिटी, शिप बिल्डिंग में मेरी सर्विस, मेरा सब शिपयार्ड NCERT में जा रहा है. क्यों जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा है, उसके लिए स्टार्टअप की भी आवश्यकता है, उसमें सुझाव की भी आवश्यकता है. आप एक बार इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के वेबसाइट पर जाइए. दूसरा मेरा सबमिशन यह है कि आप स्टार्टअप के लोग हैं, देश को आप युवा लोगों के ब्रांड की आवश्यकता है, आप हमसे पूछिए, इट्स वन थिंग, उसके लिए हैकाथॉन जैसे सिस्टम से कई कोशिश हम भी करते होती रहती है, लेकिन ये गवर्नमेंट की तैयारी है कि आप ऐसा स्टार्टअप लेके आइए, पॉलिसी हम चेंज करें,
यही एक्सरसाइज हमारी चली हुई है सारे कोविड क्राइसिस में। इंडियन गवर्नमेंट ने वही एक्सरसाइज की है कि क्या रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। आज हमें ये स्टार्टअप को इंप्लीमेंट करना है तो कौन सी पॉलिसी को रिफॉर्म करना है, कौन से बिल को रिफॉर्म करना है, उसके पर हम लगे हुए हैं। उसमें आपका कोई भी सुझाव है तो हमें अवश्य दीजिए, हम उसका उपयोग करेंगे और शिपिंग लाइंस को या तो शिपिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने में उसका सहयोग हो। थैंक यू सर, बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात की कि भारत सरकार जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए पॉलिसी भी चेंज करने के लिए तैयार है। सो दिस इज वेरी अप्रिशिएटिव एंड वेरी एनकरेजिंग फॉर आवर स्टार्टअप्स। अभी मेरे साथ है अंजलि गर्ग जो इंसीटू फार्मिंग के नाम का एक स्टार्टअप चला रही है। अंजलि, ओवर टू यू। नमस्कार, थैंक यू राहुल। सभी प्रेजेंट डिग्निटरीज को गुड इवनिंग। मेरा नाम अंजलि गर्ग है, मेरा स्टार्टअप इनसीटू एग्रीटेक है जहां हम कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग IoT एंड ऑटोमेशन। इससे मेरा मतलब है हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जहां हमने कोविड के टाइम पे देखा है बेसिक एग्रीकल्चरल नीड्स हैड बीन अ चैलेंज, जहां पे बेसिक एग्रीकल्चरल नीड्स लेने के लिए भी कॉमन मैन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। सो वी हैव कम अप विद अ सॉल्यूशन जहां पे वी बी एबल टू ग्रो प्लांट्स एक मिनी फ्रिज में, जहां पे जैसे हम कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं, इट इज़ बेसिकली प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जहां पे हम ऑटोमेशन का यूज़ करके एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जहां पे विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन ना सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी ना पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, और एक मिनी फ्रिज जैसे हम कंसिडर कर सकते हैं उसके अंदर एग्रीकल्चरल बेसिक डेली बेसिक एग्रीकल्चरल नीड्स अपने आप ग्रो कर सकते हैं। सो इट बी काइंड ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम दैट वी आर ट्राइंग टू डेवलप। सो इस सिनेरियो में व्हेन वी से एग्रीकल्चरल नीड्स इज समथिंग व्हिच इज अ प्राइम फोकस, हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऐसी स्कीम्स हैं या क्या ऐसी पॉलिसीज हैं जब हम केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं इस प्रैक्टिस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। सो व्हाट आर द पॉलिसीज और स्कीम्स जो हम लेवरेज कर सकते हैं एज एग्रीटेक स्टार्टअप्स? बापू बताएंगे कि मैं बताऊं? मेरे लिए है कि बाबू के लिए है? नहीं, वैसे विषय आपका ही है, फर्टिलाइजर। ओके, ना सॉरी सर, आप एजुकेशन मिनिस्टर है, इट्स अवर माइंड में नहीं आता है बिकॉज वी आर लुकिंग ऑलवेज यू दैट यू आर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यू आर एग्रीकल्चरिस्ट। सर ओके, थैंक यू। ओके अंजलि, आपने जो विषय रखा बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि नाउ एंड टुडे वर्ल्ड इज चेंजिंग। नाउ ए दुनिया में एज को दुबई में सारी दुबई की रिक्वायरमेंट आज फ्रूट वेजिटेबल्स वो लैंड पे होगा, ये अगले दिनों में वो बुरा होने वाला है। उसके लिए आज इंडिया में कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले मेंशन किया, आप लोग जब विषय लेके आते हैं तो पॉलिसी तो हम उसको उसके लिए फॉर्म कर देंगे, इट्स वन थिंग। सेकंड, आपने कहा कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कहाँ से मिले। एग्रीकल्चर सेक्टर में या तो फर्टिलाइजर में नंबर ऑफ टाइप की सब्सिडीज है, ये सब्सिडीज का लाभ लेने के लिए, इट्स लाभ लेना एक बात है, स्टार्टअप दूसरी बात है। स्टार्टअप को लेके आप आगे आएंगे तो हम बाकी का फॉर्मेशन हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये स्टार्टअप के आधार पर डिपेंड कर जाता है। इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म वी हैव, आप भारत सरकार के फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाइए, स्टेट गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, वहां जाने से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सरकार की कौन सी सब्सिडीज है। लेकिन मेरे आपसे एक अपेक्षा यह है, नाउ एंड टूडे इन अ फर्टिलाइजर सेक्टर वी हैव गिविंग टू 84,000 crore rupees सब्सिडी इन फर्टिलाइजर सेक्टर ओनली, हम इतनी सब्सिडी दे रहे हैं। केमिकल्स फर्टिलाइजर का कंजप्शन बढ़ता ही जा रहा है और ईट डाउन हो जा, मैं आपको एक चैलेंज दे देता हूँ, क्योंकि आप स्टार्टअप करते हो तो मैं एक चैलेंज सामने रखता हूँ कि लेकिन लास्ट 10 years से प्रोडक्शन डाउन होना शुरू हो गया है। केमिकल्स फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का कंजप्शन बढ़ा, ईट डाउन होने लगी है।
ऐसी स्थिति में हम कौन से अल्टरनेट फर्टिलाइजर पर जाएं? नंबर ऑफ टाइप के अल्टरनेट फर्टिलाइजर फैले, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, आज उसमें नया नया ऐड हुआ है नो फर्टिलाइजर। मैंने उसके ऊपर बहुत बड़ा रिफॉर्म करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, मैं उसको कोऑर्डिनेट कर रहा। मैंने उसके लिए पांच मिनिस्टर के अध्यक्षता में पांच कमेटी बनाई है, कोई डायरेक्ट किसान की सब्सिडी उसके अकाउंट में कैसे डाले, डालनी चाहिए डायरेक्ट डीबीटी। एक सारे देश में प्रति हेक्टर एवरेज 5000 रुपीज, 5000 रुपीज पर हेक्टर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसान के पास 2 हेक्टर 12 बीघा है, तो हम उसको 10,000 उसके अकाउंट में डाल दे, इतनी सब्सिडी हम देते हैं। लेकिन भी आज किसान की यह स्थिति है, फर्टिलाइजर जा रहा है, यील्ड डाउन हो रही है, किसान की इनकम हमें 2 टाइम करनी है, उसमें हम कौन से मैकेनिज्म पर जाए जिस मैकेनिज्म हमारा प्रोडक्शन को बढ़ाए, केमिकल्स फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम करे, सॉइल को बचाए। एक आप युवा लोगों के लिए चैलेंज भी है, उसके ऊपर भी आप लोगों को काम करना चाहिए। बाकी जैसे मैंने बताया कि ऐसा कोई स्टार्टअप आए, स्टार्टअप के आधार पर बहुत उसके पर हमारे लोगों की बहुत क्लैरिटी है, क्योंकि स्टार्टअप आएंगे इनोवेशन आएंगे, इनोवेशन और स्टार्टअप इंडिया में ही रहे, इसलिए पॉलिसी में बदल करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन आज मैं देखता हूँ कई ऐसे इनोवेशन है, कई ऐसे स्टार्टअप है, यहाँ स्टार्टअप करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी उसको खरीद लेते हैं और यहाँ से स्टार्टअप चला जाता है, यहाँ से इनोवेशन जाता है। नहीं जी नहीं, यही आत्मनिर्भर भारत की एक रचना है यार। आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी का संदेश क्या है? आप मेक इन इंडिया कर। आज देश में $500 बिलियन हमारा इंपोर्ट है, $3 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट है, $200 बिलियन की हमारी डिफिसिट है, मतलब हमारा एक्जिम गैप है, उसको फुलफिल करना है। ये फुल करना है तो क्या करना होगा? मेक इन इंडिया करना होगा। लेकिन मेक इन इंडिया आप कैसे करेंगे? तो मेक इन इंडिया करना हो तो आपको इनोवेशन करना होगा, स्टार्टअप करना होगा, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी, ये सब उसका एक पार्ट बन जाता है। यूथ उस पर भी फोकस करे, जिसके आधार पर हम आत्मनिर्भर भारत का संकल्प को सिद्ध कर सके। थैंक यू सर। क्योंकि आपने मुझे वैसे याद किया, मकसूद भाई ने, मेरे पुराने डिपार्टमेंट जब मैं यहाँ लंबे समय तक कृषि मंत्री रहा, तो मेरे सहयोगी के रूप में मनसुख भाई ने अपने क्षेत्र में खूब अच्छा काम भी किया था। मैं सभी स्टार्टअप करने वाले मेरे स्टूडेंट्स भाइयों बहनों को ये बताना चाहूँगा कि अगले आफ्टर कोरोना न सिर्फ एग्रीकल्चर में लेकिन सभी क्षेत्रों में जो स्थिति बिफोर कोरोना थी उसमें बदलाव आने वाला ही है। तो जो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ले रहे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पहले तो किसान को इस समय की दिक्कतें क्या हैं, आपने अंजलि बहन ने जो किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन आज के जमाने में सबसे बड़ी कोई जरूरत है या दिक्कत है तो लैंड इज नॉट टू बी ग्रोइंग, इट इज टू बी रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, अवर हाउसिंग कॉलोनीज, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, जमीन घटेगी बस्ती बढ़ेगी। तो ऐसा कोई स्टार्टअप कि छोटा किसान भी, जो स्मॉल एंड मार्जिनल किसान जो हम बोलते हैं, उनके लिए आप कुछ काम करें कि छोटी जमीन में भी ही कैन मेंटेन हिज फैमिली, हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, छोटी जमीन में भी ही कैन मेंटेन हिज फैमिली। और दूसरा, हरेक क्षेत्र में, हरेक क्रॉप में सीजन में एक बार कोई ना कोई डिसीज आता है,
तैयार जो क्रॉप होता है जब डिसीज आता है तो फिर उनकी आय में कमी होती है। और अभी की चैलेंज जो है किसान के लिए वो टिड्डी की चैलेंज है। कैन यू हैव एनी इंस्ट्रूमेंट कि टिड्डी को रोक सके, कोई साधन से रोक सके, कोई स्मेल से रोक सके? इट इज नेचुरल, बट आई हैव रेड एंड हर्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव सम इंस्ट्रूमेंट सम स्मेल्स दैट टिड्डी कैन नॉट टच द लैंड। टिड्डी आती है पूरे पूरे क्रॉप को खा जाती है, वो वहीं से रुक जाती है, वहीं से आ नहीं सकती है। टिड्डी कैन नॉट लैंड ऑन द लैंड। ये सब अभी की जो दिक्कतें हैं आपने किया है बहुत अच्छा, वी अप्रिशिएट। मगर आज के समय में जो किसान के लिए दिक्कतें हैं समस्याएं हैं उनके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं हर बार ऐसे ही राहुल जी ने बुलाया तब मैं एक बार तो बोलता हूं, बिफोर कोरोना यू हैड स्काई वॉज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, आई ऑलवेज से स्काई इज द लिमिट, नाउ आफ्टर कोरोना डबल स्काई इज लिमिट फॉर यू। इतना बढ़ जाएगा कि पूछो मत, जितना भी आप काम करेंगे इसमें हमें दो सेक्टर में अधिक काम करना है, क्योंकि रोजगार वाला दो सेक्टर है, इंडस्ट्री है, एमएसएमई और फार्मिंग है। तो फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी, हाउ टू प्रिवेंट द डिसीज, ये टीडी, ये सब चीजें जो हैं, और वैल्यू एडिशन, यस, हमारे वहां मेरा अभ्यास है कि जो फल और फूल हैं वो उपयोग जल्दी से नहीं होता है और वैल्यू एडिशन नहीं होता है तो फिर हम फेंक देते हैं। तो उसमें वैल्यू एडिशन ऐसा हो कि किसान को घाटा न जाए और ही कैन हैव सम चीपर इंस्ट्रूमेंट कि वो अपने क्रॉप से वैल्यू एडिशन करके ही कैन सेव हिज मनी, ही कैन हैव अ मोर बेनिफिट। थैंक यू सर, बहुत अच्छे इनसाइट्स सुनने को मिल रहे हैं हर एक स्टार्टअप के साथ। और अब मैं आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को, हमारे साथ राज है जिसको आज एक अपने खुद के काम के लिए बाहर जाना पड़ा लास्ट मिनट पर, बट वो बहुत इंसिस्ट किया उसने कि मैं जुड़ूंगा कैसे भी, सो वो अभी अपने गाड़ी से जुड़े हैं। राज शाह रॉयल गबार्ड, यस ही इज इन द कार। राज, गुड गुड। सो राज बताइए आप क्या कर रहे हैं अभी? आई अप्रिशिएट योर उत्साह। नमस्कार सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बताइए ना। उन प्रश्नों पर मैं उसी पे हम काम कर रहे हैं, जाएंगे तो हाथिया थौर बहुत होता है इंडिया में, और कैक्टस एक ऐसी चीज है जिसमें कोई टीडी कोई पेस्ट या किसी भी दवाई की जरूरत नहीं होती। तो हम आज उस एग्रीकल्चरल वेस्ट को ऐड करके करीबन 2 लाख रुपए पर एकर फार्मर को आज आमदनी दे रहे हैं, जिसमें से उस कैक्टस के फ्रूट में से हमने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जो 30 दिन के अंदर गर्भवती महिलाओं के लिए हीमोग्लोबिन बढ़ा के देता है, और इसका हमारा फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल सारा कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ में ये प्रोडक्ट फिलहाल COVID-19 में भी बहुत इफेक्टिव दिया है जो हमने कैक्टस में से बनाया है, और आयुष मिनिस्ट्री ने उसको हमें फाइनल क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो इसमें दो तरफ काम हो रहा है, एक तरफ लोगों की हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, साथ ही साथ में हम इसमें गाँव में करीबन 300 बहनों को काम दे रहे हैं, और बिना किसी रिस्क का फार्मिंग है, क्योंकि कैक्टस तो बिना पानी के भी उग जाता है, बिना खाद के उग जाता है, उसमें न तो रोज न तो भूंड, मतलब ऐसे कोई भी एनिमल्स का प्रॉब्लम होता है। तो उसी पे हम आज काम कर रहे हैं, और मैं अपने खेत के नजदीक से ही आपसे बात कर रहा हूँ। सो ये हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम हमने HB+ रखा है। मेरे 2-3 प्रश्न है इसमें, क्योंकि कोरोना तो अभी पूरा विश्व का महामारी है, और ये जो प्रोडक्ट हमने कैक्टस से बनाई है काफी इफेक्टिव हो चुकी है,
इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो उसमें मुझे एक्सपोर्ट के लिए किस तरीके से मार्गदर्शन मिल पाए, पहला प्रश्न ये था। दूसरा ये था कि काफी सारे फॉरेन कंट्रीज में हेल्थ सप्लीमेंट्स जाते हैं और उन हेल्थ सप्लीमेंट्स की काफी अच्छी डिमांड होती है, तो इंडिया के पोर्ट से जो मटेरियल बाहर जा रहा है या किसी भी पोर्ट पे कोई मटेरियल की आयात होती है तो डीजीएफटी के पास डेटा होता है, तो अगर वो डेटा का हमें एक्सेस मिलता है तो हम कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूरोप में ये कस्टमर्स हैं जो इस तरीके के जूस को इंपोर्ट करते हैं, यूएस में ये कस्टमर्स हैं जो इंपोर्ट करते हैं, तो हम उन लोगों को रीच आउट करके हमारी इंडिया की प्रोडक्ट, गांव की प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सकते हैं। तो ये मेरी दो प्रश्न थी, और इसमें किस तरीके से सरकार मदद कर सकती है कि साथ में जैसे श्वेत क्रांति अमूल से आई थी तो लाल क्रांति हम महाराष्ट्र से शुरू कर सकते हैं, और ये कैक्टस के फल के आधार पे हम आगे काम कर सकते हैं। राज भैया, जो अपनी बात में आपने बताया उनका जवाब मंसूर भी देंगे, मगर एक बात जो मुझे दिलचस्प लगी, और एज अ फार्मर ऑल्सो वी आर फेसिंग नील गाय और भूंड, अपना या किया कराया सब काम, तैयार क्रॉप में नील गाय आ जाती है, रोज आ जाते हैं, वो भूंड आ जाते हैं, तो अपने अपने किसान जो लोग हैं बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। न्यू इनोवेशन प्रोडक्ट कि किसान वो सस्ता भी होना चाहिए, किसान मैंने जो पहली बार जो बोला ऐसी स्मेल ऐसी बनाए कि कोई भी पशु पक्षी वहां पर ना आ सके, स्मेल, वो स्मेल का इनोवेशन करके वो स्मेल सस्ती भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने स्मेल का रिसर्च कर दिया लेकिन इतना महंगा है कि फार्मर कैन नॉट एफोर्ड, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको जो भी इफ यू कैन प्रिवेंट नील गाय एंड बूंड एंटरिंग माय फार्म, आवर स्टेट गवर्नमेंट कैन हेल्प यू लाइक एनीथिंग। आवर ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ही विल ऐड समथिंग मोर। सर, हमने इसका रास्ता निकाल लिया है, जो हम कैक्टस का फार्मिंग करते हैं ना सर हाथियाथोर का, तो उसमें वो वापस हर बार वो स्मेल करने का रिकरेंट खर्चा भी नहीं है। एक बार आपने इसकी हाथियाथोर की फेंस लगा दी तो ना तो रोज आता है, ना भूंड आता है, ना तो कोई और पशु पक्षी आता है, और कम से कम 5 से 10 हजार के खर्चे में लाइफ टाइम, मतलब आजीवन उसका सोल्यूशन है। तो इस चीज पे आगे काम किया जा सकता है। ठीक है मनसुख भाई, अपना विचार रखे, इसके पहले मैं जरा थोड़ी बात बताऊं सभी इनोवेटर्स के लिए कि मेरा लंबा अनुभव है पब्लिक लाइफ का, हम प्रयोग में सफल होते हैं मगर व्यवहार में सफल नहीं होते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपने एक खेत में प्रयोग किया वो सफल हुआ, मगर वी हैव 1 crore ऑफ हेक्टर्स लैंड इन गुजरात, तो कितना बड़ा, ये सब बातें ध्यान में रख करके आपको ये करना है कि एक खेत में कोई बूंद नहीं गया, कोई रोज नहीं गया, नीलगाय नहीं गई, आई कांग्रेचुलेटेड, मगर ये एक गांव में, एक तहसील में, एक जिला में, पूरे राज्य में, तो इट विल बी अ ग्रेट सर्विस। क्योंकि आज फार्मर हम जब जाते हैं तो यही बोलता है, सब तैयार था, ऐसा हो गया। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू सर, हमने पूरे गुजरात में ट्रायल किए करीबन 350 फार्मर्स के साथ, तो फिर कभी इसमें आराम से काम कर, ठीक है। मनसुख भाई, बापू ने अच्छा कहा कि हमारे यहाँ इनोवेशन का कॉमर्शियलाइजेशन नहीं हो रहा है, जैसा हमारे आयुर्वेद के साथ हुआ। बापू, आयुर्वेद के साथ वही कि जब पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट काम नहीं करती, बाद में आयुर्वेद की चिकित्सा पे ले जाते हैं और बाद में उसका रिजल्ट मापा नहीं जाता। इनोवेशन का कमर्शलाइजेशन होना बहुत आवश्यक है और उसके लिए बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर हो रहा है। आपने 2 क्वेश्चन रखा, एक तो राज तो एक किसान बन गया है, युवा मॉडर्न किसान के रूप में मैं आपको देखता हूं तो मुझे खुशी होती है,
क्योंकि किसान की डेफिनेशन आज तक हमने वही देखे, उसके फोटो देखे हो तो एक कपड़ा पहना हो बेचारा वाका वाका अड्डा आधा झुका हुआ काम करता हो, और वो गरीब हो, गरीब किसान वहां से डेफिनेशन चालू होती है। जिन्हों जो दुनिया को चला रहे, दुनिया को खाद्यान्न पहुंचा रहे हैं, उनके लिए पैदा कर रहे हैं, वो अन्नदाता है, लेकिन वो गरीब है, ऐसी डिफिनेशन से शुरू होता है। आपने किसानों के लिए काम शुरू किया, मतलब आप एक फार्म के नजदीक से बोल रहे हैं तो आपने कहा, मुझे अच्छा लगा। आपने आपका दो क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चंस था आपका कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए ट्रेनिंग मुझे चाहिए। ये अच्छी बात आपने कही, मैं भी आपको लाइन अप करवा दूंगा। डीजीएफटी का एक सेल है और एक्सपोर्ट सेल, एक्सपोर्ट सेल तो सामने से जाके जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको ट्रेन करते हैं, और वो मुझे ऐसा बोल रहे थे कि साहब मैं तो एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट काउंसिल के माध्यम से युवाओं के साथ, युवा यूथ एंटरप्रेन्योर्स के साथ मीटिंग करना चाहता हूँ, मुझे युवा लोग नहीं मिल रहे, ऐसा उसका मुझे एक बार वो ब्रीफिंग कर रहे थे, तो ऐसा बता रहे थे। आप जैसे युवा लोग आगे बढ़े, आप उसका भी संपर्क कर सकते हो, मुझे भी बता सकते हो, मैं उसको लाइन अप करके आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर को कैसे स्मूथली आप कर सके, मैं आपको लाइन अप करवा दूंगा। इट्स वन थिंग। सेकंड, आपको दुनिया में मार्केट चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस दिन कोरोना क्राइसिस शुरू हुई उस दिन ही हम लोगों ने यहाँ ब्रांड स्टॉर्मिंग शुरू कर दिया। मोदी जी ने ऐसा 5-6 ग्रुप बनाया है, उसमें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग से बढ़े आफ्टर कोविड के बाद। बापू ने बहुत सही बात बताई कि आफ्टर कोविड के बाद दुनिया बदलेगी। जिस चीज का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट होगा, एक नया सिनारियो सारी दुनिया के सामने आएगा, और उसमें हम सक्सेस रहे हैं क्योंकि कोविड डिप्लोमेसी भारत ने बहुत सफलता से दुनिया के साथ की। हमने दुनिया को हम वसुदेव कुटुंबकम की थीरे में मानने वाले लोग हैं। हम केवल लाभ की बात नहीं करते, हिंदुस्तान लाभ और शुभ की बात करते हैं। हम जान है तो जहान है की बात करने वाले लोग हैं, इसलिए मोदी जी ने जान है तो जहान है, हम जिंदा रहेंगे तो पैदा तो करेंगे, बाकी इकोनॉमी तो सस्टेन हो जाएगी। यूरोप के कंट्री अमेरिका ने क्या किया, हमारी इकोनॉमी गड़बड़ हो जाएगी इसलिए उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, सभी लाभ की ही बात की। इंडिया में लाभ की भी बात होती है, शुभ की भी बात होती है। हमारा घर घर में लिखा होता है लाभ शुभ। शुभ का मतलब हम कोई किसी ने अपने पड़ोसी को भूखे नहीं सोने दिया है, उसके लिए व्यवस्था की है। कई सार्वजनिक सोसाइटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कई व्यक्ति के तौर पर देश में कोई गरीब भूखे ना सोए उसके लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई, और हमने कोरोना क्राइसिस को पास किया दोस्तों। 2 महीने तक लॉकडाउन में ये देश ने करके बताया, ये हमारा कल्चर है। ये कल्चर को देखते हुए आज दुनिया के 120 कंट्री में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पारासिटामोल, एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन सारी दुनिया मोदी जी को कॉल कर रही थी। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान ने दुनिया को पहुंचाई और एक मेडिसिन डिप्लोमेसी की, इसके आधार पर दुनिया को इंडिया के प्रति देखने का रवैया बदला। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, जामनगर में ब्रास इंडस्ट्रीज है और उसके इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे बोल रहे थे कि लास्ट 4-5 साल से वियतनाम और चाइना की ओर ग्राहक डाइवर्ट हो रहे थे और हमारा इंडस्ट्री थोड़ी सी बैठ रही थी, लेकिन कोरोना क्राइसिस के बाद हमारा ऑर्डर बढ़ा और लोग इंडिया के साथ, उसको चाइना से भी मिलता था, वियतनाम से भी मिलता था, लेकिन ये लोगों ने प्रिफर किया कि नहीं हमें इंडिया से माल लेना है, इंडिया से ब्रास पाना है, ये शुरू कर दिया। एक अच्छी डिप्लोमेसी हुई है। उसका दूसरा पहलू, जब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट में 2-3 चीज उसके ऊपर आपको काम भी करना है और ध्यान में भी रखना है। इंडिया ब्रांड बनानी है। आज इंडिया के पास सब कुछ है लेकिन इंडिया ब्रांड नहीं है। ब्रांड बनाने के लिए 2-3 चीज करनी होती है। एक, पैकेजिंग अच्छी तरह से पैकेजिंग हो। जब आप मार्केटिंग के लिए जाओ, फॉर एग्जाम्पल गुजरात में बापू के क्षेत्र में भालिया वीट, भालिया गेहूं, भालिया गांव, भालिया वीट, उसका टेस्ट, उसमें केवल बाकी के गेहूं में वीट में कार्बन होता है, भालिया वीट में प्रोटीन है, प्रोटीन रिच वीट दुनिया में कहां भी नहीं है। उसकी ब्रांड हम बना सकते हैं क्या? उसका ब्रांड नेम से दुनिया में हम फोकस कर सकते हैं क्या? तब जाके दुनिया में उसकी मार्केट बनेगी। हमने उसको लाइन अप किया। ऐसा ही कच्छ के में मूंग,
तालाला में गिर के सर सभी वलसाड़ में अल्फांजो हाफूस उसके ब्रांड हम कैसे क्रिएट करें और ब्रांड के नेम से हम दुनिया में कैसे मार्केटिंग करें उसके लिए केवल बात करना ऐसा नहीं। मोदी जी ने सभी एम्बेसडर को कहा है कि ये देश में कौन सी चीज है जो इंडिया से इंपोर्ट हो सकती है, आप ऐसे 1, 2, 3 चीज को आइडेंटिफाई करो और इंडिया को अप्रोच करो कि इंडिया में एक कंट्री है, हर एक अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, यूरोपियन कंट्रीज उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, और जो इंडिया में बनती हो और उसको ब्रांड नेम से, आज इंडिया का BMW किस कंट्री के नाम से है, आज LG आपका आपका फ्रिज किसके नाम से है, इंडिया में कोई ब्रांड नहीं है दोस्तों। इंडिया के नाम से आप स्टार्टअप के माध्यम से आप योग इंडिया की ब्रांड क्रिएट करो और ब्रांड के आधार पर मार्केटिंग हो, मार्केटिंग के लिए अच्छा पैकेजिंग हो, ये तीनों को इकट्ठा करके आपको एक्सपोर्ट में आगे बढ़ना है। एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था करेंगे वही रही, इट्स वन थिंग। सेकंड, कौन सी कंट्री में क्या पोटेंशियल है, तो क्या एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उस डाटा DGFT के पास होता ही है, और वेबसाइट में आप जाके HSN कोड के माध्यम से भी आप देख सकते हो और हम आपको लाइनअप भी करवा सकते हैं। सेकंड, कौन सी कंट्री में कौन सी अपॉर्चुनिटी आफ्टर कोविड के बाद स्पीड से इमीजिएटली डेवलप हो रही है, जिसको लो हैंगिंग कहे, ऐसे चीज को आपको इंफॉर्मेशन यहां ही मिलेगी, उसके लिए व्यवस्था आज बन रही है। ये तीन चीजों को लाभ में लेके आपको आगे बढ़ना है। वी आर ऑलवेज रेडी हेल्प टू यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात करी माननीय मंत्री श्री मांडविया जी ने और चुडासमा जी ने। ऐसा कम ही मौका मिलता होगा स्टार्टअप्स को कि इतना डिटेल्ड फीडबैक और इतना डिटेल्ड इंटरेक्शन दो इतने बड़े लीडर से उनको आज करने का मौका मिल रहा है। आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ सुनरतो है, सुनरतो प्रधान, जिसने एक अल्कोहल फ्री साहब यहाँ बैठे हैं, मनसुख भाई साहब और माननीय चुडासमा साहब भी यहाँ है, तो दोनों ही भावनगर से कनेक्टेड है और मैं भी भावनगर से कनेक्टेड हूँ, तो एक हमारी भावनगर की ही एक मीटिंग है तो मुझे उसमें जाना होगा, इसलिए मैं दो शब्द थोड़े बीच में बोलने की अनुमति ले रही हूँ। तो माननीय मांडविया साहब, माननीय हमारे शिक्षण मंत्री श्री चुडासमा जी, सर आज आपको हमारे यंगस्टर्स के बीच में देखकर हमें बहुत ही आनंद हो रहा है कि आप इतना एंथुसियाज्म से और आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि केंद्र के मंत्री इतने सीनियर उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इट्स रियली गिविंग अ गुड फीलिंग टू मी। एंड 2017 में साहब जब हमने SSIP शुरू किया था तो राहुल और हिरणमय के सहयोग से, साहब की ब्लेसिंग से, चुडासमा साहब की ब्लेसिंग से और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री की ब्लेसिंग से, तो ये सब चीज हमें लगता नहीं था कि इस स्केल तक हम पहुंचा पाएंगे, लेकिन SSIP को जिस तरीके से राज्य के बच्चों ने और सारे इंस्टीट्यूशंस ने टेकअप, इससे जो हमारे विद्यार्थियों के थ्रू हमने जो प्रगति करी, तो आज हमको बड़ा और आज आप हमारे साथ इंटरेक्ट करने आए, तो ये पूरे के पूरा जो प्रोग्राम है हमारा SSIP का, इससे इसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है और आने वाले समय में, ये पॉलिसी हमने सर 5 साल के लिए बनाई थी, अभी 3 साल पूरे हुए हैं, आने वाले समय में हम इससे भी बहुत कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। सर ये जो विद्यार्थी लोग हैं जो स्टार्टअप्स पे काम करते हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसा इन्होंने बताया भी, किसी भी नया प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। ये सप्लायर्स के पास जाते हैं तो इनको स्केल की प्रॉब्लम आती है कि इतनी छोटी क्वांटिटी में आपको बनाना है तो कमर्शलाइज करना है तो उनको अच्छे प्राइसेस नहीं मिलते हैं, फिर जब उसकी मार्केटिंग करने जाते हैं तो उसमें उनकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी, उस प्रोडक्ट की एंडोर्समेंट कि ये प्रोडक्ट सही प्रोडक्ट है, वो नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट में कंज्यूम होते हैं उसमें अभी भी मतलब एक्सपीरियंस का क्लॉज DIPP ने डाला है कि
ये उनको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा फंड यदि इन स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाए, और क्योंकि भारत सरकार के कई मंत्रालयों में इनके लिए बहुत स्कोप है, तो इनको छोटे छोटे ये लोग पायलट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं और छोटे छोटे इंटरवेंशन करके ये लोग काफी आगे आ सकते हैं, और एक बार जब इनके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी फील्ड में एस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर किसी के भी लिए इनके प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करना बहुत आसान होता है, उससे इनके लिए स्केलिंग अप सर बहुत आसान हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं सर, ये गुजरात के जो विद्यार्थी लोग हैं इनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप ब्लड में है, पर फिर भी चूंकि यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू डेवलप नहीं हुआ है, बट ये इकोसिस्टम गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से डेवलप हुआ है। तो बैंगलोर और हैदराबाद का जो इकोसिस्टम है, जहां पर प्राइवेट आईटी इंडस्ट्री और प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू, बड़े बड़े प्लेयर्स के थ्रू जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, उनके कंपैरिजन में इनको डिसएडवांटेज मिलता है यदि फंडिंग की बात आती है, या इनको अपनी पिच की बात आती है, या इनको एक्सपोजर की बात आती है, या इनको टैलेंट अवेलेबल कराने की बात आती है, तो इनको एक थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है। और कई बार क्या होता है सर कि काफी सारे स्टार्टअप्स इस वजह से यहाँ से जाकर बैंगलोर और हैदराबाद में जाके अपना ऑफिस खोल लेते हैं और वहां से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। तो सर उसको एक डिसएडवांटेज जो हम लोगों को मिलता है बीइंग इन अहमदाबाद, बीइंग इन गुजरात, या कोई छोटी जगह पे दाहोद में है या वलसाड में है या पोरबंदर में है, जूनागढ़ में है, तो उसके लिए सर यदि ये जो इंटरवेंशन भारत सरकार की तरफ से यदि हो तो उसमें काफी मदद हम लोगों को मिल सकती है और हम लोग काफी आगे इसमें बढ़ सकते हैं। हमने सर हमारी यूनिवर्सिटीज के थ्रू जो स्टार्टअप्स बनाए उसमें जीयूसेक ने डॉक्टर हिमांशु पंड्या और जो वाइस चांसलर थे, और राहुल बागचंदानी जो इसके जीयूसेक के सीईओ हैं, उसके साथ साथ हमारा एसएसआईपी, अब हमने आई हब भी क्रिएट किया है जो आई हब सारे स्टार्टअप्स के ऊपर उनको हैंड होल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और साथ साथ में एक इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर का काम भी कर रहा है। तो इसके थ्रू हम लोग ये जो काम हुआ है, ये आपको देखने को जो मिल रहा है, इसमें सर हम लोग बहुत उत्तरोत्तर प्रगति कर सकते हैं। आपका आना इटसेल्फ में ही एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और साथ में यदि आप जो आपका प्रोत्साहन इनको मिलेगा उससे ये बंदर्स क्रिएट कर सकते हैं। इवन शिपिंग इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं सर जो छोटे छोटे स्ट्रगल कर रहे हैं और बड़े प्लेयर्स से कम्पीट नहीं कर पाते ये लोग, तो वहां पर सर आप यदि इनकी कुछ मदद कर सकें तो बहुत ही ज्यादा हम लोग आपके आभारी रहेंगे। मैंने बीच में समय लिया तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ सर, और थैंक यू वेरी मच सर, मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त। और उसमें अंजुम मैम दो बात है, ये बात सही है कि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना चाहिए, और स्टार्टअप का कंसेप्ट मोदी जी आने के बाद आए और उसको प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप को इनोवेशन के माध्यम से कमर्शलाइजेशन की ओर ले जाना, उसके लिए एक टाटा ने इनोवेशन फंड स्टार्टअप फंड अलग किया है, इंफोसिस ने भी स्टार्टअप फंड बनाया है, ऐसा गवर्नमेंट भी स्टार्टअप फंड बनाना चाहती है जिसमें यूथ को हम कैसे सपोर्ट करें, या तो प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई स्टार्टअप ने स्टार्टअप किया है और वो सभी स्टार्टअप को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना और इंडस्ट्रीज उसमें से स्टार्टअप के साथ टाइप करे और उसको उसकी इक्विटी के साथ उसके साथ ज्वाइंट वेंचर करके उसको प्रोडक्शन में लाए, कमर्शियल प्रोडक्शन में लाए, ये दिशा में जाना है, वो तभी हमारे देश के नाम और हमारे देश के नाम कई ऐसे जो रिसर्च है एक करते हैं हम लोग और कमर्शलाइजेशन दुनिया की और कंट्री में जाके हो जाता है, पेटेंट हमारे यहाँ फाइल होना अभी स्टार्ट हुआ है, मुझे पता है जब मैं एमपी था और मैं मंत्री नहीं था उस वक्त, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर एक बार विषय रखा कि एक हमारे डीआरडीओ के रिसर्च साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च किया हो और पेटेंट के लिए अप्लाई हो तो पेटेंट होते होते 3-3.5 साल लग जाएंगे और ये पेटेंट हो तब तो यही पेटेंट दुनिया की कोई कंपनी ने अपने नाम से करवा के उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया हो और बाद में रॉयल्टी उसके पास चली जाती है। क्या इंडिया में पेटेंट नहीं बढ़ा सकते हैं? उस वक्त वाइस क्योंकि माइसेल्फ बिलोंग
इन अपर हाउस इन राज्यसभा, तो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति जी उसके स्पीकर होते हैं, उन्होंने इंटरवेंशन करते हुए कहा था कि ये एमपी बात कर रहे सही है, उसमें कुछ करना चाहिए, ये हुआ नहीं हुआ बात की बात है। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट बनी और सेकंड बजट में ये अनाउंस हुआ कि देश के कोई युवा कोई रिसर्च करेंगे और पेटेंट के लिए अप्लाई होंगे तो वन साल में उसको पेटेंट हो जाना और 50% खर्च भारत सरकार बेयर करेगी, उससे बहुत इंडिया में अभी रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ है, एक अच्छा इंडिकेशन है। वही रास्ते से हमें स्टार्टअप पर जाना है, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, ये देश के आप जो स्टार्टअप करते हैं आपके मन में स्टार्टअप है, लेकिन हिंदुस्तान के मन में और भारत सरकार के मन में ये देश की देश के लिए क्रिएशन है, यू आर वेल्थ ऑफ इंडिया, आप ही देश की शक्ति है। इस दृष्टि से हमने देखना शुरू किया है, आप आगे बढ़िए उसमें, जहां भी हमारा इंटरवेंशन की आवश्यकता होगी वहां इंटरवेंशन करेंगे, जहां सपोर्ट की आवश्यकता होगी वहां सपोर्ट करेंगे। मेरे पास ही जो 4-5 मिनिस्ट्री है उसमें स्टार्टअप के लिए बहुत कुछ अवकाश है। माई सेल्फ लुकिंग फार्मा मिनिस्ट्री, माई सेल्फ लुकिंग पेट्रोकेमिकल्स मिनिस्ट्री, माई सेल्फ लुकिंग फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, शिपिंग मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री, जो उसमें स्टार्टअप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और उसमें आप भी जुड़ सकते हैं, आपके लिए ऑलवेज डोर ओपन। ये सभी कैपिटल के लिए कि गुजरात सरकार ने पिछले 5 साल में, राहुल इज अ विटनेस, हिमांशु भाई, जगदीश भाई आर ऑल्सो विटनेस, कि हमने इंक्यूबेटर के लिए इतनी व्यवस्थाएं की हैं। हैकेथॉन में भी सेंट्रल हैकेथॉन के अगले महीने लोकल रीजनल हैकेथॉन भी किए, इंडस्ट्री को भी बुलाया, और इसी वजह से मनसुख भाई गुजरात स्टैंड्स फर्स्ट इन द कंट्री बाय हैविंग 46% ऑफ टोटल स्टार्टअप ऑफ द कंट्री। तो सब इंक्यूबेटर के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप जितना भी काम करो कम पड़ेगा। मुझे भी अभी 6:30 बजे सीएम के साथ मीटिंग है जाना है, तो मैं तो अंतिम बात करके जाता हूँ, फिर मनसुख भाई संभालेंगे कि अगले समय में, आज का टाइटल है आत्मनिर्भर भारत और भविष्य, तो मैं देखता हूं कि आफ्टर कोरोना भारत का भविष्य उजला है, भारत में गुजरात का भविष्य उससे भी ज्यादा उजला है, क्योंकि अभी जिन लोगों ने चाइना में इन्वेस्ट किया है दे आर ट्राइंग टू कम आउट चाइना, दोज हु हैड इंटेंशन टू इन्वेस्ट इन चाइना नाउ दे वोंट इन्वेस्ट इन चाइना, दे विल फाइंड infrastructure, they will find security, they will find stable government, all are in India and in India in Gujarat. Hum pichle 2003 se we are organizing vibrant Gujarat successfully. After Gujarat other state also tried to organize vibrant Gujarat, but as Gujarat has success, other countries state do not have. अभी 21 में आने वाला है, सब इंक्यूबेटर को मैं बहुत बहुत बधाई के साथ कहना चाहता हूं कि आपके लिए कितना अपॉर्चुनिटी है, ये सब लोग बाहर से आने वाले भारत में आएंगे और भारत में आने के पहले वो गुजरात में ही आएंगे। यू ऑल हैव स्काई द लिमिट, अपॉर्चुनिटी यू हैव, यू वर्क हार्ड। अभी से हम 21 वाइब्रेंट गुजरात की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार टाटा ने बोला था Who doesn't invest in Gujarat is stupid. One of the best top industrialists of the world, he had these words
बिफोर 10 ईयर्स, ये शब्द आज बिल्कुल सच साबित हो रहे हैं कि गुजरात इज सेफ, स्टेबल और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरी आप सब से विनती है कि आप ऐसा काम करें कि ये सब आपको भी पर्सनल डेवलपमेंट में भी लाभ मिले और देश को भी मिले और गुजरात को भी मिले। मनसुख भाई, आई टेक लीव भावनगर जिल्लानी मीटिंग से, हमने माननीय मुख्यमंत्री से બધા જિલ્લાના ધારાસભ્યો સાથે અને પ્રભારી મંત્રી સાથેની બેઠકો ગોઠવી છે, એટલે પ્રભારી મંત્રી તરીકે મારે ભાવનગર જિલ્લાની અને લોકલ મંત્રી તરીકે અમદાવાદ જિલ્લાની મીટિંગમાં જવાનું છે। ઓકે બાપુ, ઓકે રાહુલજી, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ ફોર કમિંગ। મનસુખભાઈ, આ વખતે આ કોરોના વેકેશનમાં આવી રીતે અમે પૂરા વેકેશનનો લાભ લીધો, બધી યુનિવર્સિટીઓએ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આવા વેબિનાર કર્યા। કદાચ રેગ્યુલર કોર્સમાં જેટલા અમે સેમિનાર ન કરી શકતા એટલા એટલા વેબિનાર કર્યા છે, એટલે એમાં અમે સુરેશ પ્રભુને બોલાયા, કિરણ બેદીને બોલાયા, દીપિકા ચિખલિયાને બોલાયા, અને ગુજરાતના તો બધા જ નામાંકિત લેખકો, સમાજ સેવકો, વૈજ્ઞાનિકો બધાને બોલાયા। યુ નેમ, આઈ વિલ સે યસ। નહીં પણ બાપુ, એ જોઈને જાણીને જ હું તૈયાર થઈ ગયો કે ચાલો કરીએ, એ તો ભૂલી ગયા છે જગદીશભાઈ મેવડાયું પેલું ક્યારે છે ભાઈ ગોઠવો। ચલો, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ। प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए हमारे साथ सुनरतो प्रधान जुड़े हुए हैं, अल्कोहल फ्री बॉडी सैनिटाइजर सिस्टम बनाया है। सुनरतो, आप 60-70 सेकंड में बताएं क्या कर रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम सुनरतो प्रधान है। मेरा स्टार्टअप ने एक अल्कोहल फ्री एटमॉस्फेरिक प्लाज्मा ओजोन बेस्ड सैनिटाइजेशन डिवाइस बनाया है। COVID-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए अल्कोहल और केमिकल आधारित सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु ये शरीर के लिए हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। तो हमारे स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक एक ऐसा डिवाइस विकसित किया है जो हवा से प्लाज्मा और ओजोन बनाकर कोई भी बॉडी पार्ट या सरफेस को सैनिटाइज कर सकता है। परीक्षण चलाने पर यह पाया गया है कि हमारा विधि मौजूदा अल्कोहल और केमिकल बेस्ड सैनिटाइजर के मुकाबले कई गुना बेहतर है। हमारे डिवाइस की एक खास बात यह है कि ये मास सैनिटाइजेशन या पब्लिक सैनिटाइजेशन के लिए एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जैसे कूलर या एयर कंडीशनर में फिट किया जा सकते हैं और इसे मास सैनिटाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा एक सवाल जो माननीय मंत्री जी के लिए ये है कि भारत सरकार हमारी किस तरह मदद कर सकती है हम स्टार्टअप्स को, कि अगर हम हमारा प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट करें और बाहर से जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो बैलेंस आउट करके हम भी हमारा देश एक एक्सपोर्टर बने, तो हम स्टार्टअप्स क्या कर सकते हैं इसके लिए। प्रधान, पहले तो आपने जो स्टार्टअप किया है और रिसर्च किया है और जो इनोवेशन किया है उसका सर्टिफिकेशन DRDO के माध्यम से करवाना जी। DRDO उसको सर्टिफाइड कर देंगे, मतलब आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो गई। बाद में आपको दुनिया में एक्सपोर्ट करना बात की बात है, इंडिया में ही इतनी रिक्वायरमेंट है और आप अपनी ब्रांड बना लो कि ये उसमें 2-3 वर्ड ऐड कर देना कि ये ऑर्गेनिक है, केमिकल्स नहीं है उसमें, ये 2-3 चीज ऐसा वर्ड का शब्द का प्रयोग कर लो जिसके आधार पर लोगों को लगेंगे आज लोग केमिकल से हट रहा है। अच्छी तरह से समझिए, लोगों को ऑर्गेनिक चाहिए, जेनरिक चाहिए। ऑर्गेनिक और जेनरिक के प्रति लोगों का लगाव आज के दिन में बढ़ा है। हर भी कोई समझ लो कि मैं यूजर हूं सैनिटाइजर का और मुझे आपके ऐसी ब्रांड जो ऑर्गेनिक हो और इंडिजिनियस हो, ऐसा ब्रांड से कोई चीज मिलेंगी तो मैं उसको प्रायोरिटी में ले लूंगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, रजिस्ट्रेशन के बाद एक्सपोर्ट की बात, एक्सपोर्ट के जगह पे एक्सपोर्ट का ऑर्डर तो वैसे ही आएंगे। पहले आप डोमेस्टिक मार्केट में डालो,
दुनिया में आप एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कम करिए, एक्सपोर्ट भी करो आपके पास एक्सेस हो तो सभी के लिए, एक्सपोर्ट नहीं करना ऐसा नहीं, लेकिन आपका ये माइंड होना चाहिए कि हिंदुस्तान 130 का देश है, दो यूरोप हो जाए तब एक हिंदुस्तान होगा, तीन अमेरिका हो जाए तब एक हिंदुस्तान होगा, इतना बड़ा कंट्री हिंदुस्तान ही है और हिंदुस्तान में आज मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास बढ़ रहा है, मतलब कंजप्शन 15-20% रेट से बढ़ रहा है। जब हम $5 trillion की इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये सब पैरामीटर को देखते हुए करते हैं। आज इंडिया की इकोनॉमी $2.24 trillion है और 5 साल में हम $5 trillion पर ले जाएंगे, क्यों? आज हमारे पास स्किल मैन पावर है, ब्रेन तो पहले से ही हमारे पास था। आप ही स्टार्टअप करते हैं या तो रिसर्च करते हैं, ये हमारा जेनेटिकल सिम्टम है। आज यूरोप के कोई भी, आज नासा में जाओ, 10 साइंटिस्ट में 3 इंडियन साइंटिस्ट हैं। आज दुनिया में कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाओ, 10 में से 3 रिसर्च फेलो इंडियन है। आज दुनिया में इंडियन ब्रेन पावर का यूज हो रहा है। ये सब आफ्टर का, या तो कोरोना क्राइसिस के बाद सब लोग इंडिया वापस आना चाहते हैं, सब लोगों ने दुनिया देख लिया, आप इंडिया में ही है। दुनिया से लोग हमें पूछते हैं कि हम इंडिया में एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाए, हम इंडिया में हमारी इंडस्ट्रीज को लेके कैसे आए। तो आप एक्सपोर्ट भी करो लेकिन उसको भी ध्यान में रखो इंडिजिनियस हमारा डोमेस्टिक मार्केट को, डोमेस्टिक इट्स वन थिंग, सेकंड रजिस्ट्रेशन, थर्ड एक्सपोर्ट मार्केट। एक्सपोर्ट मार्केट के लिए केवल ब्रांडिंग के साथ ऑर्डर ही लेना है, लेकिन ये BIS स्टैंडर्ड मांगेंगे, ऑथेंटिफिकेशन मांगेंगे, सर्टिफिकेशन मांगेंगे। दुनिया में एक अच्छी बात बनी है, नॉट ओनली फॉर कोविड क्राइसिस बट बिफोर, यू लुक दैट इंडिया के जो प्रोडक्शन है उसके संदर्भ में इंडिया का प्रोडक्शन दुनिया में पॉजिटिव इफेक्ट रखता है, मतलब क्वालिटी होता है। इंडिया की क्वालिटी के संदर्भ में आज कई चाइना के कंसाइनमेंट आए, कई कंट्री ने छुड़ाया ही नहीं वापस भेज दिया, इंडिया में भी उसकी किट आई थी, इंडिया ने भी छुड़ा ही नहीं वापस भेज दिया, क्योंकि क्वालिटी का इश्यू था। लेकिन इंडियन प्रोड्यूसर, इंडियन प्रोडक्ट, उसकी दुनिया में डिमांड है, लेकिन के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। DRDO ने सर्टिफाइड किया है, दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी, आपको दुनिया का भी मार्केट मिलेगा। ये 3 चीज करिए, उसमें कहा भी हमारी मदद की आवश्यकता है तो मेरा ऑफिस का भी संपर्क करिए, मैं आपको मदद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। हमारे साथ कनिष्क है, कनिष्क आप बताएं क्या कर रहे हैं। कनिष्क आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं कनिष्क। सॉरी, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम कनिष्क है एंड मेरे स्टार्टअप का नाम है वी हियर। तो वी हियर एक ऐसा स्टार्टअप है जो हियरिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है एंड हियरिंग केयर हमारा एक मेन गोल है स्टार्टअप का। तो वेरी रिसेंटली हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने एक ऐसा हियरिंग टेक्नोलॉजी बनाया है जिसमें वो आपके फिजिकल ईयर्स जो है उसको यूज किए बिना ही साउंड को सीधा आपके ब्रेन के एक पार्ट में पहुंचा देता है एंड आपका पूरा जो फिजिकल ईयर सिस्टम है वो उसमें यूज नहीं होगा। अभी ये टेक्नोलॉजी से हमने रिसेंटली 2 प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। तो हमारा पहला प्रोडक्ट था वो ऐसे लोगों के लिए था जिनको हियरिंग लॉस है या सुनने में कोई भी हैपेंस, कि जिनको भी फिजिकल ईयर का कितना भी हियरिंग लॉस है, हमारा प्रोडक्ट जस्ट एक छोटा सा प्रोडक्ट है जो आपके कान के पीछे फिट हो जाएगा एंड वो आपके कान के पीछे के जो बोन्स है उसके माध्यम से सीधा साउंड को ब्रेन में पहुंचा देगा एंड आपका फिजिकल ईयर जरा भी यूज नहीं होगा। एंड हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो क्या है कि जैसे लोग अभी बहुत सारा ईयरफोन्स हेडफोन्स यूज करते हैं, यंग जनरेशन हो या वर्किंग जनरेशन हो या कोई भी हो, लाइक एंटरटेनमेंट के लिए या काम के पर्पज से कोई भी हिसाब से आजकल ईयरफोन्स हेडफोन्स वगैरह का यूज बहुत बढ़ गया है। उससे क्या होता है कि इट डैमेजेस योर ईयर्स एट अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अगर दिन में 3-4 घंटे आप रोज यूज करते हो तो आपके कान को डैमेज करता है। तो ऐसे टाइम में हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप किया है जिससे वो पूरे फिजिकल ईयर सिस्टम को बाईपास कर देता है, तो उससे हमने ये अपने ईयरफोन्स हेडफोन्स का एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी बनाया हुआ है। तो अभी मैंने जो प्रोडक्ट पहना हुआ है वो हमने बनाया हुआ प्रोडक्ट ये है जो आपके कान के अंदर नहीं जाता एंड इट इज जस्ट लाइक यूजेस योर बोन्स टू ट्रांसमिट द साउंड। तो ये 2 प्रोडक्ट हमारे अभी मार्केट में है एंड मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे मैंने बताया
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस, तो हमारा जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है हमारा रॉ मटेरियल वी हैव टू आउटसोर्स फ्रॉम समवेयर, मतलब या तो ताइवान हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया, तो हमको बाहर से बहुत सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है. सो लाइक नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर भारत, तो हमारे जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है स्पेसिफिकली आत्मनिर्भर भारत की बात किए तो? आपकी सही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ज्यादातर इंडिया में ब्लेंडिंग होता है या तो असेंबलिंग होता है, ब्लेंडिंग होता है या असेंबलिंग होता है, उसमें वैल्यू एडिशन की स्थिति हमारे यहाँ आज के दिन में कम है. लेकिन उसको ग्रिड में वैल्यू एडिशन कैसे करें, उनके लिए आज इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क बन रहा है और हम लोगों ने काम शुरू किया कि केवल हम ब्लेंडिंग और असेंबलिंग तक काम करेंगे और हम खुश रहेंगे कि हम मोबाइल बनाते हैं, लेकिन मोबाइल्स के चिप्स तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं. आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट क्या है दोस्तों? आत्मनिर्भर भारत इट्स नॉट ओनली इज स्वदेशी, स्वदेशी इट्स वन पिलर, बट आत्मनिर्भर भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन, स्टार्टअप, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना देश में ही, उसके लिए देश में केवल हम ब्लेंडिंग ही करते रहेंगे, असेंबलिंग ही करते रहेंगे, नहीं. सब चीज इंडिया में मेक इन इंडिया के माध्यम से कैसे बने, मेक इन इंडिया करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग में कैसे जाना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे करना है. कोई भी इंडस्ट्री जब दुनिया टेक्नोलॉजी लानी है तो पहले शुरुआत होती है आपकी असेंबलिंग से, ब्लेंडिंग से. टेक्नोलॉजी आ गई, धीरे 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 आप जैसे युवा लोग उसमें काम करेंगे, काम करने के बाद वही अपना इंडस्ट्रीज लगाएंगे या तो वो उसमें लग जाएंगे, ये सब उसका रूट है. और हम सब ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर काम करना शुरू किया है और क्रिटिकल रिक्वायरमेंट तो देश में ही बननी चाहिए और उसका प्रोडक्शन भी देश में बनना चाहिए और ग्रिड में बनना चाहिए. एक चीज हम इंपोर्ट करें और यहाँ असेंबलिंग करें, नहीं. जब असेंबलिंग तक पहुंचे हैं वहां से हम छोटे छोटे उसके ऐसे मतलब की स्टार्टिंग मटेरियल इंडिया में बनाए और उसके लिए हम एक नया मॉडल पर जाना चाहते हैं. देश में क्या होता है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क बनाने की बात की, पार्क बनाया, गवर्नमेंट बनाएगी, गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी और गवर्नमेंट के जैसा गुजरात में जीआईडीसी होता है ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में इंडस्ट्रियल क्लस्टर होता है या तो इंडस्ट्रीज पार्क होता है, उसमें बहुत स्लो गति से काम आगे बढ़ता है और दुनिया उस समय में हम आगे दुनिया के पीछे रह जाते हैं. ऐसी स्थिति में हम लोगों ने दो रास्ता लिया है. मैं एक आपको समझाने के लिए मेरे मिनिस्ट्री में हमने एक इनिशिएटिव लिया है, उसको मैं कहूं कि फिफ्थ देश में आज पेनिसिलिन ड्रग्स है लेकिन उसका 80% एपीआई इंपोर्ट होता है. तो इंपोर्ट नहीं हुआ तो कोई कंट्री ने देना बंद कर दिया तो देश में क्या होगा, एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है. ऐसा 53 एपीआई हमने आइडेंटिफाई किया, ये 53 80% से ज्यादा इंपोर्ट होता है, देश में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए. हम लोगों ने सर्च किया कि क्यों नहीं बनता है, तो क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है. कितनी ज्यादा है, तो कि 50%. हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देने के लिए 14,000 करोड़ स्कीम निकाली. आज मेडिकल डिवाइस इंडिया में बनता ही नहीं, आप थर्मोमीटर भी बाहर से आता है, मेमोग्राफी मशीन भी बाहर से आता है, फोटो मशीन भी बाहर से आता है, सब बाहर से ही आता है, तो देश में नहीं बनना चाहिए क्या? 43,000 करोड़ रुपीज की हमारा इंपोर्ट है केवल मेडिकल डिवाइस का, स्टेथोस्कोप भी बाहर से आ जाता है, इंडिया में नहीं बनना चाहिए क्या? बनना चाहिए. तो उसके लिए हमने स्कीम निकाली जिसमें मेडिकल डिवाइस पार्क, और उसमें भी एक मॉडल में बना रहा हूं उसको स्पीड से इंप्लीमेंट कैसे करें.
स्पीड से इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक आप जैसे एक कंपनी के रूप में आए कि भाई चलो साहब हम पार्क बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क हम बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले लैंड ले लिया, या तो स्टेट गवर्नमेंट को आपने कहा कि मैं पार्क बनाना चाहता हूँ, आप मुझे ये सेक्टर में 50 एकड़ लैंड पड़ी हुई हमें दे दो, और सरकार को आप बोलो कि आप जो लैंड दे रहे हैं उसकी इक्विटी हम आपको दे देंगे। भारत सरकार की स्कीम है कि मैं 100 करोड़ रुपीज दूंगा पार्क बनाना है तो, वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो 100 करोड़ की इक्विटी मुझे दे देना, मुझे ले लेनी है, तो लैंड और उसकी 200 करोड़ की इक्विटी हुई, 101 करोड़ लेके प्राइवेट प्लेयर आए और कहे कि हम बनाते हैं उसको। प्राइवेट प्लेयर बनाएंगे तो सारा क्लियरेंस लेना है वो लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वो खड़ा करेंगे, तुरंत ही वही इंडस्ट्रीज को कहेंगे कि आप यहाँ आइए, मैं यहाँ ये फैसिलिटी, उसकी ब्रांडिंग वो करेंगे, उसका मार्केटिंग वो करेंगे, तुरंत ही 2-3 साल में एक पार्क अच्छा बन के डेवलपमेंट की स्थिति में आ जाएंगे। दुनिया में ये मॉडल, हमें ये मॉडल की ओर जाना है, और कई मॉडल ऐसा है, हर कंट्री को अपना अपना मॉडल होता है। चाइना का मॉडल हमें मानना ऐसा नहीं है, ये एक कॉलोनियलिस्टिक कंट्री है, वो सारे देश की एक शक्ति कोस्टल लाइन में लगा सकते हैं। हम जैसे आज मोदी जी ने 90,000 करोड़ रुपीज का एक पैकेज डिक्लेयर करके अगले दिसंबर तक हम गरीब लोगों को खाना मुफ्त देंगे, हमारे यहाँ गरीब लोगों को खाना भी खिलाना है, हमें बच्चों को पढ़ाई भी करवानी है, रिसर्च भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है, आगे भी बढ़ना है। ये लोग अपनी शक्ति को, गरीब को जो होना है हो, उसके सामने कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, इसलिए हमें बैलेंस डेवलपमेंट करना पड़ता है, ये हमारे देश का मॉडल है। तो ऐसे मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज को पार्क फॉर्मेट में इंसेंटिव, उसमें भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देना सरकार ने शुरू किया, आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हो इंडस्ट्रीज के लिए। और आपने उसके पेटेंट करवा लिया कि नहीं, आपका जो रिसर्च है पेटेंट हो गया ना? हाँ सर, 2 पेटेंट है अभी हमारे पास, हाँ। एक पूरा प्रोडक्ट का है एंड एक पूरा द वे इट्स वर्किंग, पूरा 2 पेटेंट है। आपको एक पेटेंट लेना है, पेटेंट हो गया, स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप के बाद बड़ी कंपनी आप भी इंडस्ट्रीज लगा सकते हो, या तो बड़ी कंपनी में आपको आपकी इक्विटी नहीं, आपके रिसर्च की और स्टार्टअप की इक्विटी लेके उसका पार्टनर बनना। दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनी आज स्टार्टअप को ढूंढ रही है, मुझे पता है। ऐसा जो आपने बताया एक रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप है जिसमें आप आगे बढ़ो, जहाँ भी मदद की आवश्यकता है मेरा अप्रोच करिए, मैं मदद करूँगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमें एक बैलेंस्ड वे में डेवलपमेंट करना है और उसके साथ साथ हमको आगे बढ़ते जाना है। आज के लास्ट स्टार्टअप हैं बिंदी, जो बायोप्लास्टिक्स पे काम कर रहे हैं, बिंदी पटेल। बताइए बिंदी, आप क्या कर रहे हैं? नमस्ते सर, आई एम बिंदी पटेल, फाउंडर ऑफ बायोप्लास्टिक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो नॉर्मल प्लास्टिक है वो डिजिटेट नहीं हो पाता है और सालों तक वो डीकम्पोज होने में टाइम लेता है। तो हर साल दुनिया में 5 ट्रिलियन सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स का उत्पादन होता है, जो कि सिर्फ एक बार यूज होती है और वो विघटित होने में 1000 साल लेता है। तो हमारा जो एक छोटा सा कदम है इस बड़ी से समस्या के लिए, हम बायोप्लास्टिक बनाते हैं जो सर टोटली वनस्पति बेस्ड मटेरियल में से बनता है, जो कि एडिबल है, टॉक्सिक नहीं है और टोटली केमिकल फ्री है। हमने बायोप्लास्टिक के डिफरेंट पैलेट्स बनाए हुए हैं जो कि सेम क्वालिटी देता है नॉर्मल प्लास्टिक जैसी, और नॉर्मल प्लास्टिक के मशीन में ही इसका प्रोडक्शन होता है। हमने कमर्शियल ट्रायल भी लिए हुए हैं डिस्पोजेबल आइटम और बैग बनाने के लिए, और हमने इसका पूरा पेटेंट करवाया हुआ है। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम ये प्लास्टिक की जो इंडस्ट्री है जो कि पूरी तरह से रेगुलेटेड है, उसको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं बायोप्लास्टिक की मदद से, तो सर गवर्नमेंट हमें क्या सपोर्ट कर सकती है? बिंदी, पहले तो आपको क्या सपोर्ट चाहिए ये मुझे बताना है, इट्स वन थिंग। सेकंड, बायोप्लास्टिक इट्स अ गुड इनिशिएटिव, ये एक खुलता हुआ क्षेत्र है, क्योंकि हम कैसा भी करें
दुनिया में एवरेज प्लास्टिक का कंजप्शन यूरोप अमेरिका और डेवलप्ड कंट्री में देखे तो प्रति पर व्यक्ति 29-30 केजी पर ईयर्स है और इंडिया में पर कैपिटा पर ईयर्स वो 10-11 केजी है। मतलब इंडिया में उसको 15-20% गति से रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। मतलब प्लास्टिक की डिमांड और या तो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज 20% कंजप्शन 15-20% गति से हर साल आगे बढ़ रहा है और दुनिया में और इंडिया में उसमें जो खास करके सिंगल यूज प्लास्टिक कुल प्लास्टिक का केवल 5-6% ही है लेकिन लोगों को परेशानी है सिंगल यूज प्लास्टिक से क्योंकि रोड के दाएं लोग डाल देते हैं। हम रोड पे निकले दोनों साइड प्लास्टिक ट्रैक में दोनों साइड प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखता है और ड्रेनेज चौकअप हो जाती है प्लास्टिक की वजह से। उसमें ये जो नॉर्मल आज के पेट्रोकेमिकल्स मतलब जो पॉलीमर से बनता है प्लास्टिक ये प्लास्टिक को उसके जो मॉलिक्यूल है उसको विभाजित होने में समय लगता है मिनिमम जैसा आपने कहा वो 500 इयर्स मिनिमम लगता है और उससे ज्यादा भी लग सकता है। उसके अल्टरनेट ऑप्शन में बायोप्लास्टिक ऑक्जो बायोप्लास्टिक कंपोस्ट प्लास्टिक ऐसा कई ऑप्शन के पर गति से काम हो रहा है और उसके लिए रिसर्च करने के लिए भारत सरकार की एक सीपेट है आपको पता ही होगा पेट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट उसके संपर्क डॉक्टर नायक करके उसका डायरेक्टर है और उसमें भी अल्टरनेट प्लास्टिक पर कई सीपेट काम कर रहे हैं। कुल मिला के सारे देश में 42 सीपेट के सेंटर है। अच्छा रिसर्च भी हो रहा है और इंडस्ट्रीज के साथ उसका अच्छा बाइंडिंग है इंडस्ट्रीज के साथ उसका अच्छा रेपो है और सेल्फ सस्टेन है। आज इंडस्ट्रीज ही उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है और इंडस्ट्रीज को जो चाहिए वो लोग देते हैं सीपेट देती है उसका उसका रिसर्च करके देती है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके देती है उसको मशीनरी उपलब्ध करवाती है सब कुछ अच्छी तरह से करते हैं। तो पहले आप सीपेट के संपर्क में रहो इट्स वन थिंग। सेकंड आप क्या चाहते हो एक्चुअल सपोर्ट ये आइडेंटिफाई करके बताओ तो मैं उसको देखते हुए आपको लिंकअप करवा सकता हूँ। ये दो आपका इनिशिएटिव है ये अच्छा इनिशिएटिव है लेकिन ये राइजिंग सेक्टर है और जिसको आगे बढ़ना है वो राइजिंग सेक्टर को चूज करते हैं। आज का राइजिंग सेक्टर है वो अगले दिन में एक बड़ा मार्केट के रूप में सामना है। ऐसा ही बायोप्लास्टिक एक ऐसा ही सब्जेक्ट है अच्छा है आपने उसके पर काम कई लोग ऐसा बायोप्लास्टिक लेके मेरे पास भी आए हैं और मुझे उसका दिखाया भी है। आप उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती होगी या कौन सी सिस्टम से करती होगी एक आपका एक्सपर्ट ओपिनियन होगा लेकिन इस सेक्टर का फ्यूचर अच्छा है और उसमें आपको आगे बढ़ना ही चाहिए। सर बिंदी के जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है हम उनको एक एनलिस्ट करके उनको लोकली सिपेट में हम ऑलरेडी सपोर्ट करने का प्रयत्न तो कर ही रहे हैं बट आपके ऑफिस से भी हम कोशिश करेंगे कि उस सपोर्ट को एक्सटेंड किया जा सके। लेकिन उसमें जो अहमदाबाद की सिपेट है उसका मैंने बायोप्लास्टिक पर या तो अल्टरनेट प्लास्टिक पर काम करना नहीं है अलग अलग सिपेट का अलग अलग मैंडेट है जी। और मैं आपको मुझे एक मेल भेजिए मैं सारी डिटेल करके मेरे डायरेक्टर सिपेट को भेजूंगा और वो आपको लाइन अप कर देंगे। थैंक यू सर थैंक यू हम लोग हमारी टीम से ये आज ही करा देंगे सर। थैंक यू सर थैंक यू ऑल द स्टार्टअप्स कि आप आज जुड़ सके और कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं चाहूंगा कि वाइस चांसलर सर जगदीश बावसार सर दो शब्द कहें आज के प्रोग्राम के बारे में और फिर मांडवीय साहब से रिक्वेस्ट करूंगा उनके बाद कि आत्मनिर्भर भारत पर भी अपने दो शब्द अपने व्यक्त करें। आज हमारे सब जो स्टूडेंट्स हैं फैकल्टी मेंबर्स हैं स्टार्टअप्स हैं जो फेसबुक के माध्यम से काफी सारे पेजेस से जुड़े हुए हैं वो उत्सुक हैं कि आपको आत्मनिर्भर भारत के टॉपिक पर आपके रिमार्क सुने। सो डॉक्टर भावसार आपके दो शब्द के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सर। नमस्ते मनसुख भाई
नमस्ते जगदीश भाई, जीवसेक के माध्यम से आपको मिलने का अवसर जो प्रदान किया गया राहुल की ओर से, इसे मैं धन्यवाद। जगदीश भाई सभी स्टार्टअप को बता दो कि मैंने पार्टी में जगदीश भाई के साथ काम करता था एक समय में, तो जगदीश भाई मीडिया के साथ कैसे काम करना है ऐसा मुझे सिखाते थे, तो ये मेरे वन टाइप के टीचर ही रहे हैं। जैसा आपके वो इंस्टीट्यूट के हेड है ऐसा मेरे भी इंस्टीट्यूट के हेड रहे। जी, तो जीवसेक ने आपसे मिलने का जो अवसर प्रदान किया मैं गर्व महसूस करता हूँ। आपका, मैं राहुल जी को बताऊंगा कि आपका सदैव ऐसा नेचर रहा है कि कैसे गुजरात के युवा आगे आए और गुजरात के संदर्भ में आपकी सोच बिल्कुल हकारात्मक रही है। इसी संदर्भ में आज आपने आत्मनिर्भर भारत के जरिए ये स्टार्टअप को मोटिवेशन करने का जो आज समय दिया, मैं गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। ऐसे तो राकेश रावल जी वोट ऑफ थैंक्स करेंगे, लेकिन विगत दिनों के अंदर जीवसेक के माध्यम से मनसुख भाई बहुत सारे काम, जैसे भूपेंद्र जी ने भी बताया कि सेमिनार में वेबिनार के जरिए हमने बहुत से लोगों के बीच जाने का, करीबन 40,000 युवा छात्रों को मिलने का हमने काम एक कोविड-19 के दौरान किया है। और मैं एक दो बात रखना चाहता हूँ कि जब 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन बना तब जो 5 उद्देश्य रखे गए थे मनसुख भाई, उसमें एक आत्मनिर्भरता की बात थी। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की सोच अभी रखी, लेकिन उसके पहले उन्होंने जब 2014 के अंदर 15 अगस्त को लाल किले पर से जो अपना प्रथम प्रवचन किया था, उसी दिन इसी दिशा में देश को ले जाने की बात मैं समझता हूँ रख दी। और गुजरात विश्वविद्यालय ने वो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये बात को ध्यान में रखते हुए 2016 से स्टार्टअप के संदर्भ में सोचना प्रारंभ किया। विगत वाइस चांसलर एमएन पटेल जो थे उनके समय से चालू हुआ एक काम, हिमांशु भाई पंड्या, आपको बता दें मुझे आनंद और हर्ष हो रहा है आज पुनः वो गुजरात विश्वविद्यालय के 3 साल के लिए विसी के पद पर नॉमिनेट किए गए आज ही दिन, अभी आधे घंटे के पहले ही। तो ये दोनों के कार्यकाल के अंदर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से, नीति आयोग के माध्यम से, सब जगह से हमको इतना प्रोत्साहन मिला कि आज हम 200 स्टार्टअप को एक बहुत बड़ा काम ये आने वाले समय के लिए दे पा रहे हैं। तो आपका पुनः धन्यवाद मैं अदा करता हूँ कि आपने युवा स्टार्टअप के बीच इतना समय व्यतीत करने का प्रावधान किया। धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मंत्री श्री मांडविया जी से, जो भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय के इंडिपेंडेंट चार्ज धरावते हुए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री का भी उनके पास चार्ज है, फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री का भी आपने जैसे बताया आपके पास चार्ज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सर आपने बहुत अच्छा आपने नेतृत्व किया है देश का काफी सारे इंटरनेशनल और मल्टीलैटरल एजेंसीज में, और एज भावसार साहब ने कहा कि आप यूथ के साथ काफी इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारा आज सौभाग्य है कि आज आप जीवसेक के साथ जुड़े हैं, और जीवसेक के स्टार्टअप्स को तो आपने बहुत बेहद उम्दा टाइम दिया है, बट अब मैं चाहूंगा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 शब्द कहें आत्मनिर्भर भारत पे और आपके ओवरऑल रिमार्क सर, प्लीज सर। कुल मिला के स्टार्टअप के युवा मित्रों के साथ मिलके मुझे खुशी भी हुई और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि कोई भी देश के युवाओं को प्रोत्साहित करने के आधार पर ही राष्ट्र निर्माण हो सकता है। युवा ही देश की सच्ची अमानत है, सच्ची संपत्ति है। उसको, उसका हौसला कैसे बढ़े, उसका प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, उसकी अपेक्षा और आकांक्षाओं को कैसे पूर्तता की जाए,
यही आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी का एक कंसेप्ट है। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया और पैकेज को आत्मनिर्भर भारत के साथ जुड़ा। दोस्तों हिंदुस्तान का बजट 28-30 लाख करोड़ है और ये 20.71 लाख करोड़ मतलब नियरेस्ट बजट, इतना बड़ा पैकेज दे के देश को हम आत्मनिर्भरता की ओर कैसे ले जाए। दोस्तों कोई भी देश की इकोनॉमी जब डल हो जाती है या तो इकोनॉमी को सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, जैसे नॉट ओनली फॉर इंडिया बट एंटायर वर्ल्ड यू लुक एट दैट, सारी दुनिया में कोरोना क्राइसिस को लेके इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट हुई तो इंडिया उससे बाहर नहीं रहा, इंडिया में भी नेगेटिव इफेक्ट हुई। लेकिन ये पैकेज के माध्यम से मोदी जी ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी को तो पटरी पर लाना ही है, लेकिन दुनिया में जो ओपन हुई अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे एनकेस करे, उसको आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा बना दिया। और देश को इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए दो साइज की, एक इकोनॉमिस्ट जो उसमें इकोनॉमी में रुचि रखने वाले लोगों को पता होगा कि इकोनॉमी को बूस्टअप करना है तो क्या करें, तो एक इकोनॉमिक्स की भाषा में बोला जाता है हेलीकॉप्टर फंडिंग। हेलीकॉप्टर मनी मतलब दरेक फैमिली के अकाउंट में पैसा डाल देना, उसके आधार पर ये प्रोक्योरमेंट करे, प्रोक्योरमेंट करने के लिए बाहर निकलेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग होगा और मैन्युफैक्चरिंग होगा तो एक रोटेशन शुरू हो जाएगा, एक रास्ता। लेकिन उससे एक बार आप पैसा तो डाल दे, लेकिन पैसा डालने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और देश की इकोनॉमी दुनिया में डाउन होगी, ये उसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। दूसरा एक रूट होता है जिसके माध्यम से देश में लोगों के जेब में पैसा भी आए, इंडस्ट्रीज भी चालू हो जाए और देश की इकोनॉमी रोटेशन में भी आ जाए, ये दूसरा ऑप्शन मोदी जी ने लिया। और ये ऑप्शन के माध्यम से बैंकेबल योजना, बैंक के सपोर्ट, बैंक से फाइनेंस, ऐसा करके इंडस्ट्रीज को बूस्टअप करने की बात की। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख करोड़ रुपीज 45 लाख एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए बैंक मदद करेगी। कैसे मदद करेगी? रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया। जब रिवर्स रेपो रेट कम हो जाता है तब बैंक कोई पैसा अपने यहां ज्यादा नहीं रख सकते, वो रिजर्व बैंक में रख देते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक उसके रिवर्स रेपो रेट कम करते मतलब उसका इंटरेस्ट कम कर देती है तो उसको पैसा जनता में ही डालना है, मतलब उसको देना ही देना है और गवर्नमेंट ने उसकी सिक्योरिटी दे दी कि आप दो पैसा हमारी जिम्मेवारी। तो ये 3 लाख करोड़ रुपीज इंडस्ट्रीज में जाएंगे और उसमें जो इंडस्ट्रीज बंद है, कई इंडस्ट्रीज एनपीए हुई है, उसको भी बूस्टअप मिल जाएगा और चालू हो जाएगी। जो चालू है उसको रोटेशन में लाने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होगी, उसको फाइनेंस मिल जाएगा, कम इंटरेस्ट में मिल जाएगा। सेकंड, थर्ड, उसको फाइनेंस भी मिलेगा और उसको सीसी भी मिल जाएगी। तो 3 रोटेशन से ये इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी और उसके पैरेलल 1.5% 2 गुनी एमएसपी से किसान की कमोडिटी, किसान की फसल को प्रोक्योर करना शुरू किया लॉकडाउन में ही, जैसे किसान के जेब में पैसा आ जाए और किसान मार्केट में जाके प्रोक्योर करे। तीसरा एक्शन लिया मोदी जी ने, 200 करोड़ रुपीस का कोई भी टेंडर, ग्लोबल टेंडर नहीं करना है। ग्लोबल टेंडर नहीं करना है उसका मतलब देश में ही देश की जरूरियात को फुलफिल करना है। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, मायसेल्फ बुकिंग शिपिंग मिनिस्ट्री, देश में 67 पोर्ट छोटे मोटे कुल मिला के हैं और जब कोई वेसल्स आता है उसमें लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए क्रेन की आवश्यकता होती है, तो 10 करोड़ से 50 करोड़ तक क्रेन की कॉस्ट होती है। हर साल 1000 करोड़ रुपीस की क्रेन देश में 15-17 क्रेन लगती रहती है, 1000 करोड़ का खर्च उसमें होता है, लेकिन देश में तो क्रेन बनाने वाला कोई है ही नहीं, तो इंपोर्ट होती है, 1000 करोड़ रुपीस दुनिया में बाहर चला जाता है।
मोदी जी ने कहा कि 200 करोड़ रुपीस तक देश में ही उसका ग्लोबल टेंडर नहीं करना है। तो एक कंपनी ने मेरा अप्रोच किया कि मैं हिंदुस्तान में क्रेन बनाना चाहता हूं और मैं क्रेन बनाता हूं, लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं दुनिया में जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसके साथ ज्वाइंट वेंचर कर लूंगा। उसके साथ वो ज्वाइंट वेंचर कर लेंगे, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो लोहा की रिक्वायरमेंट होगी, स्टील की रिक्वायरमेंट होगी, तो स्टील देश में से ही प्रोक्योर करेंगे तो स्टील इंडस्ट्री चलेगी, उसमें इंजीनियर की आवश्यकता होगी, देश के युवाओं को रोजगारी मिलेगी, उसमें टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होगी तो टेक्नीशियन को रोजगारी मिलेगी, उसमें लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो लेबर को भी रोजगारी मिलेगी और देश का पैसा देश में ही रहेंगे। ये आत्मनिर्भर भारत का कुल मिला के कंसेप्ट है, संकल्प है। आत्मनिर्भर भारत ब्रॉड सेक्टर में हम देखें तो ये जमाने में हम कोई एक्सपोर्ट करे ही नहीं, कोई इंपोर्ट करे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाना है। कैसे बढ़ाए? जो देश में ट्रेडिशनल आज एक्सपोर्ट हो रहा है उसको हम कौन सी सुविधा दे तो ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगे। देश में जो कॉम्पिटिटिव नहीं है उसको कॉम्पिटिटिव करने के लिए क्या पॉलिसी रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, उसको पॉलिसी रिफॉर्म में हम लग गए, जैसा असेंबलिंग और ब्लेंडिंग। तो असेंबलिंग ब्लेंडिंग तो होता है, लेकिन उसके साथ उसकी माइक्रो रिक्वायरमेंट मतलब की स्टार्टिंग मटेरियल भी इंडिया में कैसे बने, उसके लिए कौन से पैकेज की रिक्वायरमेंट है, कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर ऑलरेडी आज के दिन में काम हो गया है। देश में इंडियन ब्रांड को मजबूत करके दुनिया में इंडिया को, इंडिया ब्रांड के नाम से दुनिया के मार्केट को हम प्रभावित करें, उसके ऊपर भारत सरकार आज के दिन में लग गई है। ब्रॉड सेक्टर में हम देखें तो आत्मनिर्भर भारत, ये देश की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट देश में ही फुलफिल हो, देश का एक्सपोर्ट बढ़े, ट्रेडिशनल आज के दिन में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको तेजी से ज्यादा आगे बढ़े, जो नई कॉम्पिटिटिव हो रहा है उसको कॉम्पिटिटिव करना कैसे करना है उस दिशा में हम विचार करें, देश में की इंडिजिनियस कंपनी को सपोर्ट करें, देश के युवाओं का रोजगारी का रोजगार का अवसर देश में ही उपलब्ध हो। आज देश के ब्रैंड पावर और मनी पावर भी, देश के कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना क्राइसिस में एयरपोर्ट पर कोई भी लैंडिंग होता है तो उसके पास एक फॉर्म भराया जाता है कि आप वहाँ क्या कर रहे हो, रहे थे कहाँ, जॉब कर रहे थे, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये हमने मांगा। उससे क्या निकल के आया, दुनिया से कई इंडस्ट्रियलिस्ट भी इंडिया में आए, तो हमने उसका अप्रोच किया इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से। उन्होंने कहा कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको इंडिया में इन्वेस्ट कैसा करें जो इंडियन ओरिजिन हो। कोई एक्सपर्ट युवा लोग है, दुनिया की कोई एरोनॉटिक इंडस्ट्रीज में काम करता हो, डिफेंस इंडस्ट्रीज में काम करता हो, वो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्रीज में काम कैसे करे एक्सपर्ट के रूप में, उसको यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे मिले। हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, उसमें सभी उसको सर्विस डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम से, जिसको सर्विस चाहिए, जिसके पास जो भी एक्सपर्टाइज हो, ये अपने यहाँ वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा दो, तो उसको देखते हुए मुझे लगेंगे कि मुझे तो ये टाइप का एक्सपर्ट की आवश्यकता है, तो मैं आपका अप्रोच करूँगा। ये आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है। आत्मनिर्भर भारत के आधार पर हम नया भारत का निर्माण कर सकते हैं। हुआ ऐसा कि जब देश आजाद हुआ तब विषय तो रखा कि देश को आत्मनिर्भर करना है, जैसा जगदीश भाई ने कहा, लेकिन हम चल गए दूसरे मोड पे। हमने रशिया से कुछ अच्छा लेना था, लेना हो उस लेने की कोशिश की, हमने यूरोप से कुछ दूसरा मॉडल था उससे भी कुछ लेने की कोशिश की, उसमें हमारा मॉडल बना ही नहीं, और एक ऐसे मॉडल पे हम नहीं सोशलिस्ट बन सके, नहीं कम्युनिस्ट बन सके, नहीं कैपिटलिस्ट बन सके, जो हमें बनना था आत्मनिर्भर वो बन ही नहीं पाए, ऐसे मॉडल में चल गए, और फिर से आत्मनिर्भरता के मॉडल में जाके देश को एक नई दिशा देनी है। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग साथ में मिलके एक आत्मनिर्भरता के आधार पर नया भारत का निर्माण करेंगे, उसमें आप सब लोगों का भी देश में सहयोग रहेंगे। मोदी जी बार बार कहते हैं कि केवल सरकार चाहेगी तो कुछ नहीं हो पाएंगे, केवल युवा लोग चाहेंगे कुछ नहीं हो पाएंगे,
लेकिन सारा देश तालमेल करके 130 करोड़ की जनता 130 स्टेप आगे बढ़ेगी तो 130 करोड़ स्टेप हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। ये थीरो के आधार पर हमने आत्मनिर्भर भारत की भारत सरकार ने संकल्पना की है और ये आत्मनिर्भर भारत में युवा लोग अपनी अपॉर्चुनिटी को एनकेस करें और आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है सबको साथ में लेकर के और हमारे स्टार्टअप्स इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप आज आए हमारे साथ जुड़े जीयूसेक के ओर से। मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर राकेश रावल कुछ शब्द कहें और कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें प्रोग्राम के। गुड इवनिंग एवरीवन प्रेजेंट इन दिस वेबिनार। वन मिनट राकेश की तरफ से। राकेश भी प्लीज आप पहली कोविड ना संदर्भ में जो मेडिसिन ना ऊपर संशोधन करो यानी पर बात थोड़ी कर जो। ओके तो हम अपनी इम्यूनाइज करके एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन हमारे डॉक्टर अक्षय शेवत जो जूनागढ़ में है वो एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है तो उनके साथ गुजरात यूनिवर्सिटी ने मिलके एक इम्यून बूस्टर के लिए इम्यूनाइज करके एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन तैयार किया और उसका टोटल साइंटिफिक डेटा हम लोगों ने आयुष में रिप्रेजेंट किया और उससे आयुष मंत्रालय गुजरात गवर्नमेंट ने हमें एक छोटा क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति दी। उसके आधार पे अभी हम उस ट्रायल पे आगे बढ़ रहे हैं और उसमें एक उम्मीद है कि हम एक अच्छा इम्यून बूस्टर जो हमारे आयुर्वेद की सिद्धांतों पे चल रहा है उस पे हम आगे बढ़ा सकें। तो सर ये जीयूसेक की टीम की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, खासतौर पर आदरणीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी का कि उन्होंने अपने स्टार्टअप को हौसला बुलंद किया और उनके इस हौसला अफजाई से जरूर से उनको कुछ फायदा होगा और उनका हौसला बढ़ेगा। उसके बाद शिक्षण मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी का भी मैं खूब खूब आभारी हूँ कि उन्होंने इस युवा वर्ग को हमेशा ही प्रोत्साहित किया है। जब भी हमारा कोई मीटिंग हम वेबिनार अरेंज करते हैं तो उसमें सर हाजिर होते हैं। शिक्षण सचिव अंजू शर्मा मैडम का भी मैं खूब खूब आभारी हूँ कि उन्होंने नाव निकाल के वेबिनार में आए, खास तौर पे इंचार्ज वाइस चांसलर गुजरात यूनिवर्सिटी जगदीश भावसा जी का भी मैं खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ कि सर आपके मार्गदर्शन के साथ हम काफ़ी आगे इसमें निकलेंगे। और जैसे मंत्री श्री ने बताया तो उसमें दो लाइन बोलना चाहूँगा, ए भारत के नौजवान तुझे आत्मनिर्भर बनना है, हौसला बुलंद कर और रास्ते पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल तो कर, देखकर तुझे काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। तो इसके साथ मैं इस वेबिनार में जितने भी प्रेजेंट हैं अपने यंग इनोवेटर्स स्टार्टअप और पार्टिसिपेंट्स तो सबका मैं खुद को आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत, जय कर्मी गुजर। थैंक यू सर, थैंक यू मांडविया साहब, आप हमारे साथ आज जुड़े। कार्यक्रम एक घंटे का चलना था, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे स्टार्टअप्स के साथ की, जो फीडबैक दिया है हम इंश्योर करेंगे कि हम वो फीडबैक को आगे ले जाएं, आपके ऑफिस के साथ कनेक्ट करेंगे इन स्टार्टअप्स को भी और आपका सपोर्ट रहेगा तो हम हमारा काम आगे बढ़ाते जाएंगे सर। थैंक यू। बिंदी के संदर्भ में खास कुछ करना है? जी सर। थैंक यू। नमस्ते जगदीश भाई। नमस्ते। Thank you.